हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। तो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है दोस्तों एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। क्या? त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई लोग, एक्सेलरेशन। आइए पहले हम लोग एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन समझने के बाद इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे। एकदम टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो कभी कभार क्या करते हैं, देखते हैं हाँ थोड़ा सा यार लेट हो रहा है, तो क्या करते हैं, वहां पे हम लोग साइकिल का स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना। साइकिल का क्या करते हैं, वेलोसिटी तो हम लोग बढ़ा देते हैं। और दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को। अब ऐसा नहीं कि सर वेलोसिटी बढ़ा देंगे तबे त्वरण कहलाएगा, घटा देंगे तब भी त्वरण कहलाएगा। जैसे आप देखिए, फिगर से समझिए। मान लीजिए आप यहां से कहीं जा रहे हैं, चलिए आप यहां जा रहे हैं बिंदु बी पर। आप क्या किए दोस्तों, यहां पे आप यहां से यहां तक आप 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलें या वेग से चलें। उसके बाद आपने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया यहां तक। तो स्पीड में क्या हो गया आपका, वेलोसिटी यानी वेग में क्या हुआ दोस्तों, वेग में आप देखिए ये 6 मीटर पर सेकेंड कर दिए। तो यहां पे हम 1 सेकेंड में कितना चल रहे थे, 5 मीटर। यहां पे हमने क्या किया, अपना एक्सलेटर को चेंज किया। गाड़ी देखते हैं, गाड़ी को जब हम लोग चलाते हैं तो जैसे एक्सलेटर को, ये एक्सलेटर लेते हैं, गाड़ी सटाक से आगे निकल जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं त्वरण। यानी वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आप देखिए, यहां से हम यहां तक जो जा रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे थे, अब हमने यहां स्पीड जैसे बढ़ा दिया, तो स्पीड बढ़ाया या वेग बढ़ाया तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यही डिफरेंस जो हुआ दोस्तों, कितना का डिफरेंस हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड का। कितना का, 1 मीटर पर सेकेंड का। यानी हमने अपना स्पीड यानी अपना वेग क्या किया, 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया, चेंज कर दिया। यानी जब आप अपने वेग में परिवर्तन कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। या फिर ब्रेक लगा दिया, हम 40 के स्पीड में चल रहे थे, हमने थोड़ा ब्रेक लगा दिया, स्पीड फटाक से कम हो गया, 35 का हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड का हो गया, है ना। या फिर 40 मीटर पर सेकेंड था, एक्सलेटर लिए, स्पीड बढ़ गया, वो 45 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी परिवर्तित हो रहा है। और वेलोसिटी में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग त्वरण कहते हैं उसको। तो अब देखिए, फिर ये यहां से यहां तक जब गया तो ये 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हर बार क्या हो रहा है दोस्तों, वेलोसिटी में यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, और इसी वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या डिफिनेशन लिखे दोस्तों, वेग में, वस्तु के वेग में, वस्तु क्या क्या हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है ना, आपका चलाने वाली वस्तु की हम बात कर रहे हैं, साइकिल हो सकता है, हम दौड़ रहे, कभी दौड़ते दौड़ते स्पीड को चेंज कर दे रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर दे रहे हैं, या बढ़ा दे रहे हैं या घटा दे रहे हैं, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जो होता है दोस्तों, त्वरण
अर्थात त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या है दोस्तों, हम लोग त्वरण को a से स्मॉल a से सूचित करते हैं। त्वरण को किससे डिनोटेट करते हैं भैया, स्मॉल a से डिनोटेट करते हैं, और a इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन यानी v माइनस u अपॉन t। ये हम लोगों का मैथमेटिकल फॉर्मूला किसका हुआ, त्वरण का हुआ, जहां पे आप लिख सकते हैं जहां भी बराबर क्या हो जाएगा अंतिम वेग, अंतिम वेग, और u बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। अब देखिए हम यहां पे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वस्तु यहां से जब चलना शुरू किया, a से चलना शुरू किया, तो 20 मीटर इसका पर सेकेंड चाल था। फिर या तो ब्रेक मारे या फिर हमने क्या किया दोस्तों, ब्रेक मार लिए या फिर एक्सेलेटर ले लिए या वेग में वृद्धि कर दिए। तो दोस्तों जब मेरा जो पहले जो वेग था 20 मीटर पर सेकेंड था, ब्रेक या फिर इस एक्सेलेटर लेने के बाद ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये जो आपका होगा ये इनिशियल जिसको बोलेंगे प्रारंभिक, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रारंभिक वेलोसिटी, और इसको बोलेंगे अंतिम वेलोसिटी। यानी पहले जो मेरा वेग है वो प्रारंभिक वेग होगा, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगी एक्सलेटर लेने के बाद या इस वेग बढ़ाने के बाद या फिर ब्रेक मारने के बाद, वो हमको जो स्पीड मिलेगा, उस जो वेग मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अंतिम वेग। और v को अंतिम वेग बोलते हैं और u को प्रारंभिक वेग बोलते हैं दोस्तों। और t तो आपको पता है, t बराबर समय होगा, क्या होगा, t बराबर समय होगा। मान लीजिए हम जब चलना शुरू करते तो टाइम तो लगता है ना भाई, कोई तो समय लगता है। फिर जब वेलोसिटी को चेंज करते तो वहां भी तो कोई समय लगता है, लगता है कि नहीं। तो यहां से यहां तक मान लीजिए टाइम मेरा 2 सेकेंड लगा, कितना 2 सेकेंड। अब आइए देखते हैं, सबसे पहली बात तो दोस्तों त्वरण जो होता है, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब बोलोगे शून्य कैसे हो सकता है सर, तो मान लीजिए ये हम चले, ठीक है हम चले, लेकिन स्पीड मेरा जो प्रारंभिक वेग था, जो प्रारंभिक वेग था 20 मीटर था, और अंतिम वेग भी 20 ही मीटर था। मतलब हम यहां पे एक्सलेटर भी ना बढ़ाएं और ना ब्रेक लगाएं, मतलब तब क्या किए हम, उस टाइम दिशा परिवर्तित कर रहे होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, त्वरण त्वरण जो होता है, जब दिशा भी परिवर्तित करोगे, दिशा भी परिवर्तित करोगे, ठीक है, दिशा जब दिशा दिशा परिवर्तन परिवर्तन से त्वरण मिलता है, त्वरण प्राप्त होता है। और उस टाइम जो होगा दोस्तों, अगर आपने स्पीड को ना बढ़ाया है ना घटाया है, तब याद रखना जब हम दिशा परिवर्तित करेंगे तो उस टाइम वो मेरा अंतिम वेग हो जाएगा। स्पीड आप बढ़ाइए चाहे नहीं बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दिशा परिवर्तन होगा तो समझ लीजिएगा कि वहां पे त्वरण हमको मिल चुका है। उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएं या घटाएं कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइम दोस्तों अगर आप ना स्पीड को बढ़ा रहे ऐसे करके घूम रहे, मान लीजिए u आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, हम यहां पे क्या किए घूमना शुरू कर दिए, तो जैसे मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी यहां भी हमको मिल जाएगा। और स्पीड अगर आप नहीं बढ़ाए, केवल आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो भी आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला में आप देखिए वी माइनस यू अपॉन टी, मान लीजिए यहां समय मेरा लग रहा है 2 सेकेंड समय लग रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 20 माइनस 20 अपॉन 2, अगर आप घटा देंगे तो 0 बटे 2 मतलब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिशा परिवर्तन के दौरान भी आपको त्वरण मिल जाता है, लेकिन वो त्वरण जो होता है दोस्तों शून्य होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं त्वरण एक सदिश राशि होता है, यानी यह एक सदिश राशि होता है। ठीक है, सदिश राशि होता है। अगर आप एस आई यूनिट की बात करो, एस आई यूनिट की, तो ऊपर में देखिए यहां पे वेग, वेग में परिवर्तन, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, और बटे में समय है यानी सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर, ये और ये क्या हो गया मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस आई यूनिट की बात करोगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोस्तों सीजीएस सिस्टम में बात करोगे तो मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और आपका सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। ये हो गया सीजीएस में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, त्वरण जो होता है दोस्तों शून्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन शून्य कब होता है, जब उसका वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, तब उसका वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये एक सदिश राशि होता है दोस्तों, और एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।